अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस के यूट्यूब चैनल पर शामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। वैसे तो हमारे पास तमाम एसीज की रेंज मौजूद है, लेकिन आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हायर के T3 टेक्नोलॉजी वाले एसी का रिव्यू, जिसका मॉडल है HSU-18HFTCA-T3। इंशाल्लाह अब आपके साथ एसी के भी लाइनअप के रिव्यूज आपके साथ शेयर किया जाएंगे, क्योंकि आपने माइडिया के एसी पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिए, जो कि बहुत ही आउट क्लास एसी था। ये भी हमने रिव्यू किया और इस पे आपने बहुत ही एग्रेसिव रिस्पांस दिया, तो इस वजह हमने कहा कि इस चीज़ के भी रिव्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएं। लेट्स गो, अपने जो है यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। ये T3 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इसीलिए बॉटम में आपको जो है T3 DC इन्वर्टर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और ये फुल DC इन्वर्टर है। और अगर कलर की बात करें तो ये इस वक्त हमारे पास जो है सिल्वर कलर में है, और दरमियान में आपको जो है हायर की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये रिव्यू देने का हरगिज ये मकसद नहीं है, मैं अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कंपनी हमें बताती है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर वारंटी की बात करें तो 10 साल की आपको कंप्रेसर की वारंटी मिलती है, और 4 साल की PC बोर्ड की वारंटी आपको मिल जाती है कंपनी की तरफ से, और हायर की तरफ से इंस्टॉलेशन भी फ्री है। यानी कि आप हायर का कोई भी AC लेते हैं तो आपको फ्री इंस्टॉलेशन ऑफर की जाती है कंपनी की तरफ से। ये वीडियो पॉसिबल बनाई है उमर इलेक्ट्रॉनिक्स ने, तो मॉडल आपको सामने देखने को मिल जाता है और प्राइस भी आपको सामने देखने को मिल जाती है। हायर क्लेम करता है कि ये रियल T3 इन्वर्टर AC है, यानी कि अगर आपका हाई टेम्परेचर चला भी जाता है, यानी कि 52 तक टेम्परेचर अगर चला भी जाता है, तो ये कूलिंग नहीं छोड़ेगा, 100% आपको कूलिंग देगा। साथ ही इसके आपको जो मेंशन किया जाता है T3 कंप्रेसर है इसके अंदर, वाइड वोल्टेज विद हाइपर PCB बोर्ड, और ये स्मार्ट इन्वर्टर है, यानी कि ये वाईफाई के साथ आता है। इसके अंदर जो फिन्स और पाइप्स हैं वो कॉपर में है, यानी कि उनको जो है जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आगे जाके मैं इसको रियल टाइम में आपको दिखाऊंगा। और इसके अंदर सेल्फ क्लीनिंग का भी फंक्शन मौजूद है, यानी कि एक बटन दबाएं आपके इनडोर की सेल्फ क्लीनिंग हो जाएगी। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो यार इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। इसका जो डिजाइन है बहुत ही एलिगेंट और बहुत आउट क्लास है, आपके रूम में लगा होगा, रूम को ठंडा तो करेगा ही, लेकिन उसकी खूबसूरती में 4 चांद भी लगाएगा। अब जरा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 19,000 BTU में, और हीटिंग कैपेसिटी है 19,500 BTU में। अगर एम्पेयर की बात करूं, ये कूलिंग पे 2.3 एम्पेयर मिनिमम और मैक्सिमम 8.8 एम्पेयर लेता है। मजीद इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर मैंने एक एक चीज बताना शुरू की तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, काइंडली डिस्क्रिप्शन पे जाके इसकी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लेट्स गो, अब आपको इंडोर के अंदर लेके चलते हैं, जहां पर आपको गोल्ड फिन्स देखने को मिल जाती है, जो कि एंटी रस्ट है, यानी कि उस पे जंग बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। ये है इसकी फिन्स और कॉपर पाइप्स, आप देख सकते हैं ये जो है गोल्ड प्लेटेड हैं या कॉपर की हैं, इनके ऊपर जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको माइक्रो शॉट करके दिखा रहा हूँ, आप अंदर पाइप भी देखें, अंदर देखें, इंशाल्लाह इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। और यही आपके काम आती हैं सेल्फ क्लीनिंग में, जो सेल्फ क्लीन होता है वो ये पाइप जो है सेल्फ क्लीन हो जाते हैं एक बटन दबाते साथ ही। और इस अगर टेम्परेचर शो का होता है तो इसका जो AC का टेम्परेचर शो होता है वो बिल्कुल मीडियम पे होता है। ये डिवाइस आप देख सकते हैं, ये टेम्परेचर शो करता है आपको बाहर वाली साइड पे। ये था इनडोर, अब आपको आउटडोर भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये हमारे पास टीयर डाउन हुआ वो आउटडोर पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। T3 अल्ट्रा बिग आउटडोर इसके साथ आता है, जिसके अंदर हाइपर PCB बोर्ड लगा हुआ है, जो कि IPM और IGB फ्यूज एंड कैपेसिटर की जो लाइफ है उसको लॉन्ग करता है। ये था हमारा रिव्यू हायर के T3 DC इन्वर्टर का, जो कि आपको टेक्निकली और रिव्यू दिया है और तमाम चीजें बताई हैं आपको। अगर फिर भी कुछ रह गए, क्योंकि इस AC में बहुत कुछ था, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसके स्पेक्स देख सकते हैं। अगर तो आप ये AC खरीदना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पे अभी रابطہ करें और बेस्ट प्राइस और बेस्ट सर्विस हासिल करें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिले। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। फी इमानिल्लाह।